पनागर थाना क्षेत्र के अंतर्गत किराया नामा में वेयर हाउस संचालित करने वालों ने सुनियोजित और चालबाजी करके दस्तावेजों के आधार पर IDBI की शाखा पनागर से क्षेत्र के 9 किसानों के नाम पर करीब 3,50,00,000 रुपए का लोन ले लिया। करोड़ों के कर्ज में किश्त जमा करने का नोटिस जब किसानों के पास पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। किसानों ने बैंक से संपर्क किया तो उन्हें बताया गया कि चंदसोरिया वेयर हाउस की गारंटी पर किसानों ने कर्ज लिया है। प्रकरण में धोखाधड़ी होने की आशंका पर IDBI बैंक के अधिकारी पनागर थाने पहुंचे और उन्होंने पूरे मामले की जानकारी देते हुए शिकायत आवेदन किया। पुलिस ने मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। धान तुलाई के दौरान करोड़ों रुपए का धान घोटाला चंदसोरिया वेयर हाउस का नाम पहले से ही चर्चा में रहा है। अब इसी वेयर हाउस को धर्मेंद्र पटेल ने किराए नामा में लिया हुआ है। पनागर थाना पहुंचे बैंक अधिकारियों ने पुलिस को बताया कि लोन के आवश्यक दस्तावेज सहित वेयर हाउस को कागजों में अनाज से भरा हुआ दर्शाया गया है। वेयर हाउस का निरीक्षण करने पहुंचे तो वहां अनाज की एक भी बोरी नहीं है। प्राथमिक जांच में इस बात की जानकारी मिली है कि धर्मेंद्र पटेल ने GNT प्राइवेट लिमिटेड को वेयर हाउस किराए पर दे दिया है। किसानों के खाते में रकम देकर कर ली ट्रांसफर। करोड़ों की चीटिंगबाजी में GNT प्राइवेट कंपनी का नाम सामने आ रहा है। पीड़ित किसानों का कहना है कि खाता खोलने के नाम पर उनसे आधार कार्ड और महत्वपूर्ण दस्तावेज ले लिए गए हैं। जालसाजों ने बैंक अधिकारियों से साठगांठ कर खाता खोलकर सिर्फ 3 दिन में ही किसानों का नाम पर आए लोन का आपस में बंटवारा कर लिया। किसानों ने आरोप लगाया है कि IDBI बैंक पनागर शाखा में पदस्थ कर्मचारी अधिकारी लोन पास कर किसानों के खाते में लाखों रुपए की राशि जमा कराकर बिना किसान की उपस्थिति और बिना जानकारी दिए उनके खातों से राशि आहरित कर ली गई है। वही मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्यवाही की जाएगी। सर, एक मामला जानकारी में आया है कि किसी के साथ गलत तरीके से दस्तावेज शामिल करा दी और उसके नाम से कुछ राशि ऐसी मामला है, कैसे करते हो? अभी कुछ दिनों पहले IDBI बैंक के शाखा प्रबंधक हमारे पास आए थे और शाखा प्रबंधक ने ये बताया सर कि किसानों ने जो लोन लिया है उसका भुगतान नहीं कर रहे हैं और वो लोन चंदसोरिया वेयर हाउस को धर्मेंद्र पटेल ने किराए पर लिया था, उस वेयर हाउस की शिकायत कर रहे थे। जांच पे प्रथम दृष्टया ये पाया गया कि उसमें जो अनाज रखा हुआ है जितनी मात्रा बताई गई थी उतनी मात्रा में अनाज वहां पे नहीं है, ये बैंक वालों का कहना है। उनने उसकी शिकायत की है, उसमें करीब 3.5 करोड़ रुपए का लोन दिया गया है और वो राशि जो है वो किसानों के खाते से किसी कंपनी के खाते में गई है। उसकी जांच की जा रही है, जांच में जैसा पाया जाएगा उसी हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, ऐसे कितने लोगों को इस तरह की फ्रॉड किया गया? 10 किसानों का शिकायत उन्हें किया है और उनकी हम पृथक पृथक किसानों से जानकारी ले करके और साक्ष्य एकत्र कर रहे हैं।